क्या डेविड वार्नर पाकिस्तान सुपर लीग को ज्वाइन करने लगे हैं, क्या डेविड वार्नर पीएसएल 9 के अंदर इन एक्शन नजर आएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पीएसएल का रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट कुछ ही दिनों के अंदर आने वाला है, तो सुबह से खबरें चल रही हैं कि डेविड वार्नर इन पीएसएल, डेविड वार्नर को आप देखना चाहते हैं। तो ये सारी की सारी चीजों की डिटेल क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ना है कि डेविड वार्नर ने पीएसएल में अपने आप को रजिस्टर्ड ही नहीं किया था। जब पीएसएल की उनकी ड्राफ्टिंग शुरू हो रही थी तो उस वक्त उन्होंने रजिस्टर्ड नहीं किया था। उन्होंने वजह भी बताई थी, उन्होंने इंटरनेशनल लीग खेलनी है, उसके बाद वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, फिर उन्होंने आईपीएल खेलनी है, तो उन्होंने रजिस्टर्ड नहीं किया था पीएसएल के अंदर। लेकिन सुबह से खबरें चल रही हैं कि डेविड वार्नर इन एक्शन नजर आ सकते हैं पीएसएल के अंदर। अभी तक जहां तक मेरी सोर्सेज, मैं आपको बता देता हूं कि डेविड वार्नर का ऐसा कोई प्लान नजर नहीं आ रहा, लेकिन मनाया जा सकता है डेविड वार्नर को कि वो आके पीएसएल के अंदर खेल सकें कुछ मैचेस, बट अभी तक कोई ऑफिशियल ऐसी कोई चीज नहीं है। और डेविड वार्नर ऑलरेडी इंटरनेशनल लीग को अपनी कमिटमेंट दे चुके हैं, उन्होंने वहां से खेलना है और फिर उन्होंने ठीक उसके बाद आईपीएल को ज्वाइन करना है, तो इसलिए वो थोड़ा रेस्ट चाहते हैं, अपनी बॉडी को रेस्ट देना, क्योंकि उनका जो असल टारगेट है वो है T20 वर्ल्ड कप। तो वो T20 वर्ल्ड कप तक अपने आप को फिट रखना चाहते हैं। आईपीएल भी 2 महीने की होगी, 2 महीनों में आईपीएल भी खेलेंगे, उसके बाद सीधा डायरेक्ट जिसको कहते हैं ना वर्ल्ड कप है, तो उसके लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, वो अपने आप को पूरा जिसको कहते हैं ना वेल प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो डेविड वार्नर की जो पीएसएल 9 की खबरें आ रही हैं वो अभी तक कोई आप उस पर यकीन ना करें। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि डेविड वार्नर पीएसएल 10 के अंदर इन एक्शन नजर आ सकते हैं, बट पीएसएल 9 के अंदर अभी तक 90% कोई चांस नहीं है डेविड वार्नर का। पाकिस्तान की टीम इस वक्त न्यूजीलैंड के अंदर पहुंच चुकी हुई है। पाकिस्तान की टीम की अगर बात करें तो 12 तारीख को पहला मैच पाकिस्तान खेलेगी। सवाल यह आता है कि पाकिस्तान की कौन सी प्लेइंग 11 खेलनी चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं, जहां तक मुझे लग रहा है पाकिस्तान की ये प्लेइंग 11 खेलेगी। साइम अयूब और बाबर आजम ओपनिंग करेंगे, 1 डाउन के ऊपर फखर जमान आएंगे, नंबर 4 के ऊपर रिजवान होंगे, नंबर 5 के ऊपर आजम खान, नंबर 6 के ऊपर इफ्तिकार अहमद, इसी के साथ साथ नंबर 7 पे शाहीन, 8 पे हारिस रऊफ, 9 के ऊपर आपके जमान खान, और इसी के साथ साथ बीच में नवाज को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा और वसीम जूनियर को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो ये पाकिस्तान की परफेक्ट प्लेइंग 11 बनती नजर आ रही है। आप कौन सी प्लेइंग 11 चाहते हैं, आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना।